पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर 22 जनवरी को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गणना की जाएगी, जिसके चलते बिलासपुर किसान भवन में फाइनल रिहर्सल हुई। एसडीएम बिलासपुर रामेश्वर दास ने मतगणना के संबंध में कर्मचारियों व अधिकारियों को जानकारी दी। 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से मतगणना शुरू होगी। उपायुक्त बिलासपुर रोहित चम्बाल ने मतगणना को लेकर जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनावी परिणामों को लेकर 22 जनवरी को मतगणना होगी। इसको लेकर कर्मचारियों को फाइनल रिहर्सल करवाई जा रही है। बिलासपुर जिला में सदर क्षेत्र की मतगणना किसान भवन, घुमारवी व झंडूता विधानसभा क्षेत्र की मतगणना डिग्री कॉलेज और नैना देवी हल्के की मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नैना देवी में की जाएगी। 22 जनवरी को मतगणना से पूर्व बिलासपुर के किसान भवन में बुधवार को फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें एसडीएम रामेश्वर दास ने कर्मचारियों को मतगणना से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान कर्मचारियों को एंट्री कार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही दूर दराज से आने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के रहने की भी उचित व्यवस्था की गई है। उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने कहा कि 22 जनवरी को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के पदों पर हुए मतों की गणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को बिलासपुर सदर व झंडूता क्षेत्र में रिहर्सल की गई, जबकि वीरवार को नैना देवी व घुमारवी में रिहर्सल करवाई जाएगी। बिलासपुर की जनता के सहयोग से जो पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में हो रही हैं, उसका 17 और 19 तारीख को जो है 2 चरण जो हैं बड़ी सफलतापूर्वक जनता के सहयोग से प्रशासन ने पूर्ण कर लिए हैं। अब 21 तारीख को तीसरे फेज़ की जो है पोलिंग होनी है और उसके तुरंत बाद 21 तारीख को पंचायतों के परिणाम तो निकल जाएंगे, पर जो हैं समिति और जो ज़िला परिषद है उसकी मतगणना 22 को रखी गई है। ये 4 स्थानों पे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे हो रही है। झंडूता और घुमारवी ब्लॉक में तो ये डिग्री कॉलेजेस में रखी गई है। सदर ब्लॉक में किसान भवन में ये मतगणना रखी गई है और नैना देवी ब्लॉक में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नैना देवी, उसमें वहाँ रखी गई है। तो ये मतगणना 8:30 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक ये परिणाम मतलब उसका दिया जाते तब तक वो चलती रहेगी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।